नमस्कार, विद्वनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास, शांति और सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स और बिम्सटेक शिखर सम्मेलनों से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह क्षेत्र के लोगों की दीर्घकालिक समस्याओं के सामान्य हल ढूंढने और नई साझेदारियां स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं। गोवा में आयोजित होने जा रहे इन सम्मेलनों से इतर मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमारे लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा, बस तालाब में गिरी, 14 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीमच मार्ग पर नामली के पास शुक्रवार को एक यात्री बस असंतुलित होकर तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 को सुरक्षित बचा लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस से अब तक 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बस रतलाम से जावरा जा रही थी। मिशेल ने कहा, यौन शिकारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों पर हमला करते हुए कहा है कि ट्रंप के यौन शिकारी जैसे व्यवहार ने उन्हें भीतर तक हिलाकर रख दिया है। न्यू हैम्पशायर के मैनचेस्टर में गुरुवार को एक चुनावी रैली में 52 वर्षीय मिशेल ने कहा कि इस चुनाव में ऐसा उम्मीदवार हमारे सामने है जिसने अपने पूरे जीवन में और इस पूरे अभियान के दौरान महिलाओं के बारे में जो बातें कही हैं वे स्तब्ध करने वाली हैं। इतनी बातें अपमानजनक हैं कि मैं आज उनमें से कुछ यहाँ दोहरा भी नहीं सकती हूँ। समान नागरिक संहिता का मसला धर्म गुरुओं पर छोड़ दें, मुलायम ने कहा। समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और केंद्र सरकार के बीच जारी कानूनी जंग के बीच सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस मसले को धर्म गुरुओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर जारी बहस के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी वह इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इसे को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सर्जिकल हमले पर झूठ बोल रहा है पाक मीडिया। भारत ने पाकिस्तानी मीडिया में आई उस खबर को मनगढ़ंत और निराधार बताया है जिसमें कहा गया था कि विदेश सचिव एफ जयशंकर ने नई दिल्ली में जर्मन राजदूत के साथ बैठक में यह माना था कि कोई भी सर्जिकल हमला नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यह पूरी तरह मनगढ़ंत और निराधार है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।